गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा दिन है मंगल का दिन। आज कौन सा दिन है? आज मंगल का दिन है और आज है तारीख 2 जनवरी 2021। आज हम करेंगे उर्दू में वर्कशीट नंबर 1। आज हम कौन सा मजमून करेंगे? उर्दू। आज हम कौन सा मजमून करेंगे? उर्दू। उर्दू में कौन से मजमून में क्या करेंगे? आज हम उर्दू के मजमून में करेंगे वर्कशीट नंबर ए। आज हम करेंगे उर्दू के काम में वर्कशीट नंबर ए। उसमें बच्चे अपनी उर्दू की वर्कशीट नंबर ए खोलेंगे। आज हम करेंगे उर्दू की वर्कशीट नंबर एक। हर आई जब बच्चे अपनी पेंसिल निकाले उसको अच्छे से शार्प करें और मेरे साथ साथ लिखाई शुरू करें। पहला सवाल है हरूफ तहजी लिखिए अलिफ का आई। हम शुरू करेंगे अलिफ से। अलिफ के बाद कौन सा अल्फ आता है? जिसके ऊपर होता है एक नुक्ता। कोई नुक्ता नहीं होता। दूसरा सवाल है हमारे पास ए जैसे हरूफ को मिलाए। कौन सा हर्फ है क्लास आई? कौन सा क्लास हर्फ है आई? आई को हम मिलाएंगे हर आई के साथ। इस हर आई लेंगे और आई को आई से मिलाएंगे। हर आई को हमने आई से मिलाया और कहां पे है आई? ये आई को मिलाए आई के साथ और कहां पे है आई? ये हर आई को आयन से मिलाइए। तीसरा सवाल है हमारे पास हरूफ आयन से शुरू होने वाली तस्वीर को हर्फ से मिलाइए। ठीक है, अब आयन से क्या क्या बनता है? आयन अ ऐनक, आयन अ तोता। आयन से बनता है नहीं, तोता तो तुए से बनता है। तोते तो के बाद बनी हुई है ऐनक। ऐनक किसे बनती है? आइन से। आइन अ एनक। एनक को मिलाएं आइन से, उसके बाद बनी हुई है खिड़की। खिड़की किसे बनती है? का से। खिड़की भी आइन से नहीं बनती। फिर बनाया हुआ है उकाब। उकाब बनता है आइन से। एनक को और उकाब को आइन से
लिए और कार को एन से मिलाइए। एन का एन एन का उगा एन का एन एन उगा। फिर है हमारे पास चौथा सवाल, मिसाल के मुताबिक तस्वीर का पहला हर्फ लिखें। ठीक है, ये सारे अल्फाज देखें, तस्वीरें देखें और पहला हर्फ लिखें। अब पहले में बनाई हुई है औरत, औरत किसे बनती है? आइन, आइन अ औरत, आइन अ औरत। सब बच्चे लिखें आइन अ औरत। दूसरी हमारे पास तस्वीर है गुब्बारा, गुब्बारा किसे बनता है? गायन से, लिखे गायन का गुब्बारा जिसके ऊपर एक रुकता होता है। उसके बाद बनाया हुआ है लीमू, लीमू बनता है लाम से, लाम ला लीमू। लीमू के बाद बनाए हुए हैं जरूर, ज़ुएंज़ा जरूर। सब बच्चे लिखे ज़ुएंज़ा जरूर। फिर है उकाब, आइन अ उकाब, आइन अ उकाब, आइन अ उकाब। उकाब किसे बनता है? आयन से, आयन अ उकाब। फिर हमारे पास छोटा सवाल है, पहले और बाद में आने वाले हरूफ लिखें, पहले और बाद में आने वाले हरूफ लिखें। ठीक है, आयन से पहले क्या आता है? आयन, आयन से पहले क्या आता है? आयन, आयन। फिर है लव चे, चे से पहले क्या आता है? पढ़े जी, चे, जी। क्या आता है चे से पहले? जी, जिसके अंदर होते हैं एक नुक्ता, तो ये सी जी। तो इससे पहले क्या आता है? स्वार, स्वार, तुए। क्या आता है? ज्वार। क्या आता है? ज्वार। तो इससे पहले क्या आता है? ज्वार। क्या आता है? सी, सी के बाद कौन सा वर्ड आता है? शी, सी के बाद कौन सा वर्ड आता है? शी, जिसके ऊपर होते हैं तीन नुक्ते। फिर आता है स्वा, स्वा के बाद कौन सा वर्ड आता है? ज्वा, जिसके ऊपर होते हैं एक नुक्ता, जिसके ऊपर होता है एक नुक्ता। फिर ज़े के बाद आता है आई, ज़े के बाद कौन सा वर्ड आता है? आई, आई अ, आई अ, आई अ। आज के लिए वर्कशीट नंबर एक, वर्कशीट नंबर एक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्लास, आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है घर पे, इसकी दोहराई करनी है अच्छे से। हम फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।